हाय गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट टेक्निक्स और कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। और हमने ये जाना था कि जो उस जो आपका कंटिन्यूस ऑडिटिंग के बारे में, कंटिन्यूस ऑडिटिंग के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसकी टेक्निक्स के बारे में हमने जाना था। और ये जाना था, सबसे पहले होता है स्नैपशॉट। स्नैपशॉट में क्या होता है, स्नैपशॉट खींच लेते हैं, पिक्चर्स खींच लेते हैं, यानी हर स्टेप पर शॉट्स खींचते जाते हैं और वो पिक्चर्स, डिजिटल पिक्चर्स खींचते जाते हैं और आर्काइव्स में रखते जाते हैं। और बाद में फिर हम उस डिजिटल पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है क्या क्या स्टेप्स हैं प्रोसेसिंग की, तो किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है, कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, क्या लॉजिक है, किस तरह से, कौन सी डायरेक्शन में प्रोसेसिंग ले रही है, पहला स्टेप क्या है, उसका सीक्वेंस क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। यानी कि हम एक तरह से देखा जाए तो लॉजिकली हमने सिस्टम के अंदर पीप आउट करके देख लिया, यानी उसके अंदर घुस कर लॉजिकली देख लिया प्रोसेसिंग क्या हो रही है। तो यानी कि ये जो टेक्निक है ऑडिटिंग अराउंड थ्रू कंप्यूटर है, सॉरी, अरे ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर नहीं, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर है, मतलब व्हाइट बॉक्स अप्रोच है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, प्रोसेसिंग को भी जान ले रहे हो, इससे स्नैपशॉट टेक्निक से जान ले रहे हो। आप क्या करते हो, प्रोसीजर फॉर कंसोल, जिसे हमने एक टेक्निकल वर्ड बोला था, प्रोसीजर फॉर कंसोल, तो आप क्या करते हो, कंसोल के अंदर वो एंट्री डालते हैं। कंसोल जो होता है आपका, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, एक एंट्री डालते हैं, वो एंट्री अंदर जाती है और वो एंट्री उस प्रोसीजर का, जो एंट्री डालने की प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर फॉर कंसोल है, उसका स्नैपशॉट ले लिया जाता है। फिर हर स्टेप पर स्नैपशॉट लिया जाता है तो आपको ये पता चल जाता है कि किस तरीके से ट्रांजैक्शन चल रहा है और उसके रिकॉर्ड्स बनते चले जाते हैं। एक या तो ऑडिट फाइल एक हो जाती है या एक पर्टिकुलर जगह पर वो सेपरेट ऑडिट फाइल बनाते चले जाते हैं या कहीं पर आर्काइव करके रख दिए जाते हैं और उसको ऑडिट किया जा सकता है। तो एक मेथड है कंटिन्यूस ऑडिटिंग का, यानी स्नैपशॉट्स को देखना और स्नैपशॉट्स से देखना कि ये स्नैपशॉट्स हेल्प भी करते हैं, मतलब लाइव इन्वायरमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी रीज़न से कंप्यूटर को अगर रेफरेंस लेना है, आउटपुट इनपुट देखना है, तो वो देख सकता है। तो यह इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स लगा देते हैं, ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स इन स्नैपशॉट्स को देखते हैं और उन ट्रांजैक्शन के इनपुट आउटपुट को कंपेयर करते रहते हैं। और कंटिन्यूस ऑडिटिंग में क्या होगा, कंटिन्यूसली कंपेयर करते रहेंगे। तो यानी कंटिन्यूस ऑडिटिंग टेक्निक में स्नैपशॉट एक टेक्निक है, स्नैपशॉट चेक करता रहेगा, वो हर चीज़ के इनपुट आउटपुट चेक करता रहेगा और स्नैपशॉट चेक करता रहेगा और देखता रहेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा हमने बात की थी इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी। यहाँ तो हमने स्नैपशॉट रखा था, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में हमें डमी एंटिटीज क्रिएट की थी, डमी एंटिटीज। तो डमी एंटिटीज जो हमने क्रिएट की थी उसके लिए डमी टेस्ट पैक का यूज किया था, टेस्ट डेटा का यूज किया था, टेस्ट पैक हमने पढ़ चुके हैं, टेस्ट पैक का यूज किया था। तो इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी क्या है, इंटीग्रेटेड है लाइव इन्वायरमेंट के साथ। यानी कि इसमें क्या होता है, आप लाइव सिस्टम में काम कर रहे हो, लाइव सिस्टम में टेस्टिंग कर रहे हो, जिंदा आदमी में टेस्टिंग कर रहे हो, तो फिर अगर उसका पेट फाड़ोगे तो पेट सिलना भी पड़ेगा। मतलब ऑपरेशन तो इसलिए होता है कि कोई चीज़ ठीक करनी है, लेकिन ऑडिटिंग क्या होता है, वो चेक करने के लिए होता है। तो आप चेक करने के लिए पेट फाड़ रहे हो, एक तरह से देखा जाए तो थोड़ा रिस्की सी चीज़ है। या जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप हाथ में होल करते हो और एक कुछ डालते हो और हार्ट का पिक्चर ले लेते हो, तो उसमें क्या है कि उसी तरीके से आप चेकिंग कर रहे हो, यहाँ पर इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में कॉन्स्टेंटली चेकिंग कर सकते हो। तो टेस्ट डेटा जा रहा है, टेस्ट डेटा डमी फॉर एग्जांपल डनी डेटर बन रहा है, एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी बन रही है, उसमें एक सेल्स की एंट्री पोस्ट हो रही है और फिर उसको रिवर्स कर दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा लाइव इन्वायरमेंट है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि लाइव इन्वायरमेंट में डेटा की इंटेग्रिटी के साथ आप खेल रहे हो, लास्ट में डेटा की इंटेग्रिटी जानबूझ कर वायलेट करके फिर ठीक कर देते हो आप। लेकिन उस बीच में अगर कोई आदमी उस डेटा को उठाएगा तो वो डेटा अपनी इंटेग्रिटी पर नहीं है, वो आपने थोड़ी देर के लिए ऑडिटिंग पर्पस के लिए उस डेटा की इंटेग्रिटी वॉयलेट कर दी, वो सही रिजल्ट्स नहीं बता रहा है, उसको न्यूट्रलाइज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद हमने जाना था सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंटीग्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, सिस्टम की एक्टिविटी की फाइल बनती है और उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब एक्टिविटी की फाइल क्या है, लॉग्स होते हैं, जो सारे लॉग्स होते हैं, जो पहला था वो उसमें ट्रेसर्स थे, यानी स्नैपशॉट में ट्रेसर्स थे, मतलब वो ट्रेस कर रहे थे हम एक के बाद एक, वो बेसिकली लॉग्स और ट्रेसर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लॉग्स, यहाँ पर लॉग्स होते हैं, हम लॉग्स को देखते हैं और अगर कंटिन्यूसली हम ये लॉग्स बना रहे हैं, स्पेशल ऑडिट सॉफ्टवेयर है जो इन लॉग्स को बना रहा है, तो सिस्टम कंट्रोल ऑडिट रिव्यू फाइल बनती है।
इसके बाद एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ होती हैं। एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं जो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिए जाते हैं, उसके साथ एम्बेडेड कर दिए जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल ईआरपी चल रही है, उसमें कुछ आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डाल दिए, तो ये है कंटिन्यूस ऑडिट करते रहते हैं। स्पेशली डिज़ाइंड मॉड्यूल्स होते हैं, ये डेटा कलेक्शन मॉड्यूल्स होते हैं, ये कॉन्स्टेंटली ऑडिट कर रहे होते हैं और ये कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हैं कोई अनयूजुअली हाई ट्रांजेक्शन तो नहीं है, और फिर सारा का सारा रिजल्ट्स जो है वो एक पर्टिकुलर फाइल में रख देते हैं और उस फाइल से बाद में ऑडिट एग्जामिनेशन हो सकता है। तो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी में क्या, ऑडिटर बाद में आएगा, बाद में देखेगा, बाद में एग्जामिनेशन करेगा, सबसिक्वेंट एग्जामिनेशन होगा। तो बेसिकली जो वो प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें एक ऑडिट क्राइटेरिया स्पेसिफाइड होता है, मतलब जो रेजिडेंट कोड है, रेजिडेंट कोड का मतलब जो कोड रिजाइड कर गया है, रेजिडेंट हो गया है, कहाँ पर रेजिडेंट हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। कई जगह नॉन रेजिडेंट कोड होगा, नॉन रेजिडेंट कोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाहर होगा, लेकिन रेजिडेंट कोड जो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर रिजाइड करेगा। तो बाहर होगा तो अपना आप में एक प्रोग्राम होगा, मतलब ऐसा है कि आपने आपने एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ईआरपी, उसके अंदर कोड डाल दिया तो वह रेजिडेंट कोड हो गया, ऑडिट का मॉड्यूल हो गया, स्पेशल ऑडिट ऑडिटिंग का एक मॉड्यूल है जो कॉन्स्टेंटली ऑडिट कर रहा है, कॉन्स्टेंटली डेटा को रख रहा है, वो रेजिडेंट कोड हो गया, वो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम नहीं हुआ, वो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी हो गई। अब अगर बाहर कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम आप इंस्टॉल करते हो और उसके बाद जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर ये यूज़ करते हो, वो सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है। तो एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी रेजिडेंट कोड होते हैं जो रिजाइड करते हैं और डेटा रखते रहते हैं, सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं बाद में। ऐसा होता है कि कभी आप ईआरपी में जाते हो तो डेटा को देखते रहते हो कि कब ये डला हुआ है, क्या ट्रांजेक्शन है, क्या डेट है, तो वो भी एक तरीके से आपका डेटा रख रहा है एक तरीके से, वैसे तो वो लॉग्स हैं बेसिकली, तो उसको सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन के रूप में आप कह सकते हो, लेकिन बेसिकली उसी तरीके की चीज़ें होती हैं। मतलब अगर मान लिया सपोज़ आप एक ऑडिट क्राइटेरिया डाल दिया आपने, आपने ये डाला कि ये ट्रांजेक्शंस, ये ट्रांजेक्शन हमारी कंपनी में कभी जो सेल्स होती है वो 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट की होती नहीं है, सॉरी 1 करोड़ के अमाउंट से ऊपर की होती नहीं है सेल्स, तो वो पर्टिकुलर सेल्स अगर कभी भी होगी तो अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस हैं, सिंगल ट्रांजेक्शन 1 करोड़ से रुपए ऊपर होगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस, अगर वो होगा तो वो हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से ट्रांजेक्शंस कई महीने में सेल्स नहीं होती हैं, लेकिन उस महीने में सेल्स और दिन की सेल से ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप एक उसमें ये डाल देते हो कि पर पर्सन सेल्स का एवरेज इतना है, हमारी एफिशिएंसी है, सेलिंग का एवरेज इतना आता है, तो पर पर्सन सेल अगर जो प्रति व्यक्ति सेल एक लेवल से नीचे आए तो उसे आप ऑलरेडी डाल दो, या प्रति व्यक्ति एक्सपेंसेस एक से ज़्यादा बढ़ जाएं, अगर कन्वेंस एक्सपेंसेस हैं तो वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएं तो हाईलाइट कर दो। एक दिन में एक आदमी 24 घंटे में सपोज अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा कितना ट्रैवल करेगा, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, अगर लोकल कर रहा है, लोकल कन्वेंस है तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर उससे ज़्यादा क्या ट्रैवल कर लेगा एक सिटी में। अगर आप उसमें ये कर दो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज़्यादा आ रहा है तो उन ट्रांजेक्शन्स को हाईलाइट करो कन्वेंस में। अगर बाहर जा रहा है एक आदमी और एयर टिकटिंग नहीं है और डिस्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा है, रेलवे से जा रहा है क्या वो जा रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन हाईलाइट करने की बात होती है उसमें, तो वो ट्रांजेक्शन्स उसमें हाईलाइट किए जाते हैं। तो कहने का मतलब ऑडिट एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी एम्बेडेड होती हैं, सिस्टम के अंदर एम्बेडेड होती हैं, और ये जो होती हैं इनको हम ये कह सकते हैं कि रेजिडेंट कोड होते हैं, सिस्टम के अंदर कोड होते हैं, ये नॉन रेजिडेंट कोड नहीं होते, इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स नहीं होते, रेजिडेंट कोड होते हैं। इससे पहले हम रेजिडेंट डेटा और डेटा इन ट्रांजिट के बारे में पढ़ चुके थे, तो डेटा इन ट्रांजिट मूविंग डेटा होता है, रेजिडेंट डेटा जो होता है वो एक किसी हार्ड डिस्क में रखा हुआ होता है। स्नैपशॉट में आप स्नैपशॉट लेते हो,
इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट पैक्स या डमी एंट्रीज का यूज़ करते हो और लाइव इन्वायरमेंट में काम करते हो और उसमें डेटा की इंटेग्रिटी कुछ समय के लिए वायलेट कर देते हो आप। टेक्निकली नहीं हुई लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वो इंटेग्रिटी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वायलेट हो गई, फिर आप रिवर्स करते हो। सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन में लॉग्स क्रिएट होते हैं। एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर में ऐसे एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटी में कोड एप्लीकेशन प्रोग्राम के अंदर डाल दिया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ है कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन। कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन क्या होता है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई कई कंट्रीज़ में, कई कई ब्रांचेज में, वहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। हर जगह पर आप एम्बेडेड ऑडिट सॉफ्टवेयर लगाओगे तो वो उतना सही नहीं होगा, और कई बार एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है तो क्या पता एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम हो। तो आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर डेटा को एक कंटिन्यूसली सिमुलेट करते रहते हो, यानी कि डेटा जहाँ जहाँ पर जा रहा है उसका उसी तरीके का डेटा आप जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है। जनरलाइज्ड ऑडिट सॉफ्टवेयर तो ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होगा वो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट के लिए डेवलप किया जाएगा और उसमें इंडिपेंडेंट सिमुलेशन होगा, यानी कि उसका ये सिस्टम से कोई मतलब नहीं होगा। मतलब ये ब्लैक बॉक्स अप्रोच है, ऑडिटिंग थ्रू कंप्यूटर नहीं है, ऑडिटिंग अराउंड कंप्यूटर है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच है। यानी कि सिस्टम जो कर रहा है कर रहा है, सिस्टम में इनपुट गया, इसने इनपुट को पकड़ लिया, इनपुट को फिर उसी कंडीशन में सिमुलेट किया, उसी कंडीशन में उसको नंबर उसको उसमें वही प्रोसेसिंग की, इंडिपेंडेंटली प्रोसेसिंग की, और डेटा को देखते रहे और दोनों को कंपेयर करते रहे। तो जनरली क्या होता है कि इस डेटा जैसे जैसे लिखा जाएगा उससे पहले कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन पूरा हो जाना चाहिए। जो सिमुलेशन ऑडिट सॉफ्टवेयर है उससे पहले सिमुलेट करके रिजल्ट्स कंपेयर करता है और उसके बाद डेटा राइट किया जाता है, जो आउटपुट राइट किया जाता है। लेकिन जहाँ पर डेटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर ऑडिट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपना काम करता है और डेटा अपना डेटा कंटिन्यूसली लिखा जाता है। तो जनरली तो क्या होता है कि लिखने से पहले डेटा एक बार चेक हो जाता है कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन में। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजी बढ़ती गई वैसे वैसे बिजनेस सिस्टम्स बढ़ते गए, वैसे वैसे क्लाइंट सर्वर सिस्टम आ गए, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो गई, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गए, कंपनीज एक जगह पर कंपनीज हैं और फिर चारों तरफ ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ वगैरह कई जगह उनकी ज्योग्राफिकल एंटिटीज़ होगी। मालूम पड़ा एक कंपनी का हेडक्वार्टर USA में है, फिर उसकी 50 कंट्री में उसके ब्रांचेज़ हैं, उसके अलावा उसके सब ब्रांचेज़ हैं, हर जगह ERP लगी हुई है, लोकलाइज्ड ERP, लोकल एक लोकल ब्रांच है उसमें भी ERP लगी हुई है, एक इंडिया में भी ERP है और वो ERP एक्सटेंड होती है आपके उस कंपनी के हेड ऑफिस तक, यानी कि हेडक्वार्टर्स तक एक्सटेंड होती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट, ये बहुत ही डिस्पर्स्ड इन्वायरमेंट है, तो इसमें कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली सिमुलेट किया जाता है और ये कंटिन्यूस सिमुलेशन है, ये बीच में रुकता नहीं है, मतलब कॉन्स्टेंटली सिमुलेशन है और इंटरमिटेंट सिमुलेशन है और इंडिपेंडेंट सिमुलेशन है और सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन को ये दिखता रहता है और सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन को सॉफ्टवेयर सिमुलेट करता रहता है। मतलब जो भी सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन है उसने देखे, क्राइटेरिया में आए उसने देखे कि ये सस्पेक्ट ट्रांजेक्शन्स हैं और उन ट्रांजेक्शन को किया सिमुलेट किया और उसके बाद क्या है जो सिमुलेटेड ऑडिट सॉफ्टवेयर है वो उसने सिमुलेट किया और डेटा को चेक कर लिया और डेटा को चेक किया कि ये डेटा प्रोसेसिंग सही हो रही है कि नहीं सही हो रही है, आउटपुट सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। बेसिकली प्रोसेसिंग चेक नहीं करता, बेसिकली वो आउटपुट चेक करता है, यानी कि प्रोसेसिंग वो इनडायरेक्ट वे में चेक करता है, डायरेक्ट वे में चेक नहीं करता, वो सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुस करके चेक नहीं करेगा, यानी कि ब्लैक बॉक्स अप्रोच होगी। ये कंप्यूटर कहीं पर, ये प्रोग्राम कहीं और पर लग सकता है, मतलब आपका सॉफ्टवेयर है 50 जगह 50 प्रोग्राम्स चल रहे हैं और एक पर्टिकुलर डेटाबेस में कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन हो रहा है और वो चेक कर रहा है हर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को और वो देख रहा है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए और मेरे अनुसार क्या आउटपुट आना चाहिए और रियल में क्या आउटपुट आ रहा है, दोनों आउटपुट चेक करता है, इनपुट उसको मिल जाएंगे, आउटपुट चेक करता है और यही कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन होता है। तो इसको फिर एक बार फिर समराइज़ करें, सबसे पहले क्या कहते हैं आपका स्नैपशॉट टेक्निक है। स्नैपशॉट टेक्निक में स्नैपशॉट पिक्चर्स लेते हो आप और
अंदर की प्रोसेसिंग देख लेते हो। तो ये वाइट बॉक्स अप्रोच है, उसके बाद इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी है, उसमें लाइव इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हो, उस लाइव इन्वायरमेंट के अंदर घुस रहे होते हो, तो ये भी वाइट बॉक्स अप्रोच है। इसके बाद सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंटरोगेशन है, इसमें क्या है कि लॉग्स क्रिएट हो जाते हैं और लॉग्स को वो देख लेते हो। उसके बाद एम्बेडिड ऑडिट फैसिलिटी है, यानी कि सिस्टम के अंदर एम्बेडिड है ऑडिट फैसिलिटी, रेजिडेंट कोड है वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोग्राम का कोड है। इसके बाद है इंटरमिटेंट कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट सिमुलेशन। कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन में सेपरेट कोड है, एम्बेडिड ऑडिट फैसिलिटी में रेजिडेंट कोड है, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट एंड इंटरमिटेंट सिमुलेशन में सेपरेट कोड है। और यहाँ पर क्या है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच यूज़ की जा रही है। एम्बेडिड ऑडिट फैसिलिटी में वाइट बॉक्स अप्रोच की जा रही है, क्योंकि कोड उसके अंदर है, वो प्रोसेसिंग लॉजिक को हम उस कोड से देख रहे हैं, प्रोसेसिंग इन्फेयर कर रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर लॉजिकली घुसकर वो कोड ऑडिट कर रहा है। यानी कि कोड क्या कर रहा है, आपका प्रोग्राम है मालूम पड़ा ERP है, उसी ERP के अंदर कोड बना हुआ है, और वो मतलब ऑडिटर डीमेटेरियलाइज होकर सिस्टम के अंदर घुस गया है। जिस ऑडिटर डीमेटेरियलाइज होकर सिस्टम के अंदर ही नहीं घुस गया, उस प्रोग्राम के अंदर घुस गया, रेजिडेंट कोड बन गया, मतलब वो बाहर रहता प्रोग्राम टेस्ट कर रहा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे सिस्टम एक्टिविटी फाइल इंट्रोगेशन में क्या लॉग्स है, लॉग्स एक सेपरेट फाइल में होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर वो हो जरूरी नहीं, मतलब सिस्टम आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाहर वो फाइल रखी जा सकती है। इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी है, तो उसमें आप सिस्टम के अंदर डेटा को मैनिपुलेट करते हो, टेस्ट पैक डालते हो, वहाँ पर डमी एंट्रीज डालते हो, प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर को टच करते हो। कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन है, तो बाहर ही बाहर काम होता है, पैरेलल काम होता है, पैरेलल कोड होता है, पैरेलल प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम केवल दोनों प्रोग्राम में इनपुट जा रहा होता है, जो प्रोडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें इनपुट जा रहा होता है, और जो दूसरा ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है, सिमुलेशन ऑडिट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें इनपुट जा रहा होता है, दोनों में इनपुट जा रहा होता है, और इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग हो रही होती है, और आउटपुट को कंपेयर किया जाता है। प्रोसेसिंग अंदर क्या हो रही है उससे कोई मतलब नहीं होता है, और रिजल्ट से मतलब होता है। यानी कि वाइट बॉक्स अप्रोच नहीं है, ब्लैक बॉक्स अप्रोच है। ब्लैक बॉक्स अप्रोच प्रोसेसिंग को देखता है, प्रोसेसिंग के स्टेप्स को देखता है, जैसे स्नैपशॉट देखता है, जैसे एम्बेडिड ऑडिट फैसिलिटी देखता है, जैसे इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी में भी देखा जाता है, क्योंकि उसमें टेस्ट पैक डाल रहे हो आप, डमी एंट्रीज क्रिएट कर रहे हो। तो ये दोनों का डिफरेंस है। अगर मान लिया सपोज एग्जामिनेशन वगैरह में आए तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है, हमें ये ध्यान देनी है। स्नैपशॉट के बारे में आए तो स्नैपशॉट्स हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट फैसिलिटी के बारे में आए तो टेस्ट पैक्स हैं, डमी एंट्रीज हैं, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, लाइव सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, टेक्निकली इंटेग्रिटी वॉयलेट होने के चांसेस हैं। एम्बेडिड ऑडिट फैसिलिटी है तो उसमें कोड एम्बेडिड है, कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन है तो सिमुलेशन हो रहा है, मतलब जैसे उसी तरीके से सिमुलेशन हो रहा है जैसे सिमुलेटर्स में आप बैठे हो, जैसे हवाई जहाज चलाना सीख रहे हो तो सिमुलेटर में बैठे हो, तो आप रियल में हवाई जहाज नहीं चला रहे हो, एक इंडिपेंडेंटली हवाई जहाज चलाना चाह रहे कर रहे हो, एक इंडिपेंडेंटली हवाई जहाज वाले इन्वायरमेंट में आप अपने इनपुट डाल रहे हो कि किस तरह से होगा, वहाँ से आउटपुट निकल रहे हैं कि वो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में आप सीख रहे हो, कार चलाना सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में सीख रहे हो, इनपुट डाल रहे हो एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट, वहाँ से आउटपुट निकल रहा है, आप देख रहे हो ये आउटपुट है कि नहीं है, कि मैंने इतना स्टेयरिंग चलाया वो कार निकली कि नहीं निकली। तो यही कंटिन्यूस इंटरमिटेंट सिमुलेशन में इंडिपेंडेंट कोड है। थैंक्स।